ध्यान रखने योग्य बातें सुन लो, नहीं तो पछताओगे। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पिए, गरम रोटी के साथ दही बिल्कुल भी ना खाएं। नीम का दातुन करने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। पानी हमेशा बैठकर पिए। नियमित केले का सेवन करने से मस्तिष्क और शरीर दोनों को लाभ मिलता है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। रोजाना नींबू पानी पीने से शरीर का वजन जल्द ही कम हो जाता है। सुबह बिस्तर छोड़ते ही बिना मुंह धोए एक गिलास पानी कम से कम पिए। कभी भी खाली पेट दूध वाली चाय ना पिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिए। कम से कम आधे घंटे का अंतराल जरूर रखें। कभी भी छाछ और दही खाने के बाद दूध ना पिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा और सौंफ के दाने जरूर खाएं। सूर्यास्त के बाद कभी भी भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। शुगर की जगह हमेशा गुड़ का प्रयोग करें। सोते समय तेज रोशनी से दूर रहें। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ की से जल्द ही आराम मिलेगा। गंजापन दूर करने के लिए धनिये का रस लगाएं। नंबर 7, आपको जिन बहुत स्त्रियों का मदद मिलेगी। गोल प्याज चाटते समय नसों वाला चबाएं, वो शहरों में भूगने वाली कभी भी नहीं आएंगे। सुबह के समय एक कटोरी दही जरूर खाएं, इससे शरीर में खून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूध के साथ कभी भी केले का सेवन ना करें। क्या आप बता सकते हैं इस वीडियो में मैंने मोच आने पर किस चीज का सेवन करने को कहा है? प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा है लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।